बटन बटन स्टोरी नंबर 1 सेकंड पेज फ्रॉम द मिडल जी. आई थिंक यू हैड बेटर लीव. आई थिंक यू हैड बेटर लीव. ऑथर सेड स्टैंडिंग. मेरा ख्याल है कि बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी मिस्टर स्टीवर्ट ने एक ऑफ़र दी है. मिस्टर ऑथर को कहा है कि ये आप मशीन रख लें, इसमें एक बटन है वो आप दबाएंगे तो दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई आदमी एक मर जाएगा और उसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे. तो अब नॉर्मा को तो ये ऑफ़र बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि उसमें लालच है, हवस है और तजस्सुस है, बेचैनी और बेताबी है, और वो तो चाहती है कि ये ऑफ़र पे गौर किया जाए और इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए. हालांकि उसके पास वो सब चीज़ें मौजूद हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात उसके पास मौजूद हैं, ठीक, कमी नहीं है किसी चीज़ की सवाए उस लालच के जो उसमें बढ़ती चली जा रही है. लेकिन उसके बरक्स उसका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल उससे कॉन्ट्रास्ट के ऊपर है, तजाद, अपोजिट करेक्टर डिवेलप हुए हुए हैं. नॉर्मा और ऑर्थर का करेक्टर बिल्कुल अपोजिट है, और ऑर्थर जो है वो बिल्कुल क्लियर है और उसमें बिल्कुल कोई लालच नहीं है, कोई हवस नहीं है, और वो इस ऑफ़र को बुरा समझता है और वो उसको कहता है कि ये आप बेहतर है ये अपनी मशीन पकड़ें और यहाँ से चले जाएँ, यहाँ से चले जाओ, ठीक. क्योंकि ऑर्थर को ये बात जो है नागवार लगी है, उसको ये बात बुरी लगी है. तो अब वो कहता है कि आई थिंक यू हैड बेटर लीव. हैड बेटर बेटा एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बेहतर है ये कार, यानी कि बेहतर है, ठीक है, प्रायोरिटी के ऊपर बात की जाती है. तो आई थिंक यू हैड बेटर लीव, बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ, यानी कि वो स्टीवर्ड से कहता है बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ और ये अपना बटन यूनिट भी ले जाओ. मिस्टर स्टीवर्ड रोज, राइस की सेकंड फॉर्म रोज. मिस्टर स्टीवर्ड भी उठ खड़ा होता है, ले बेटा ज़रा फोकस करना है आपने, ठीक है, अभी मुझे आपकी ज़्यादा फोकस नहीं फील हो रहा, तो बेटा पूरा फोकस करें, तवज्जो से देखें, ऐसे 10 मिनट की बात है. एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन जी. मिस्टर स्टीवर्ड रोज ऑफ कोर्स वो कहता है यकीनी तौर पे, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना ये बटन यूनिट भी ले जाओ. आर यू श्योर यू वुड नॉट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे आर सो. आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है, वो मिस्टर स्टीवर्ड ज़रा ज़िद्दी सा आदमी है, वो कहता है कि आपको यकीन है, यू वुड नॉट केयर, कि आप परवाह नहीं करते टू थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचने की, फॉर अ डे और सो, एक आध दिन रख के इसके बारे में सोचना नहीं चाहते. ऑथर पिकड अप द बटन. ऑथर क्या करता है, पिक अप द बटन, उस बटन यूनिट को पकड़ता है, एंड द इनवेलप उस लिफाफे को भी पकड़ता है, एंड थर्स देम इनटू मिस्टर स्टीवर्ड हैंड, और ज़रा थोड़ा सा ज़ोर से धकेलते हुए अंदाज में बटन यूनिट और लिफाफा उसके हाथों में थमा देता है और उसे कहता है नहीं सोचना चाहता, बल्कि इसको पकड़ो और निकलो यहाँ से, ठीक. तो वो उसको थर्स करता है, ज़रा धकेल के उसके हाथों में थमा देता है ज़ोर से. ही वॉक इन टू द हॉल, और वो हॉल रूम की तरफ जाता है, एंड पुल ओपन द डोर, अपने घर का दरवाज़ा खोलता है. मतलब क्या था, इशारा यही था कि आप यहाँ से चले जाओ, ठीक. बदतमीज़ी लगती है वैसे कहना, लेकिन उसने दरवाज़ा खोल दिया, इशारा दे दिया, जिसका मतलब है कि आप यहाँ से चले जाओ. आई लीव माई कार्ड, लेकिन वो ज़रा ढीठ स्टाइल का आदमी है, वो जाते जाते भी कहता है मैं अपना कार्ड यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि शायद आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं. आई लीव माई कार्ड, मैं अपना कार्ड यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, सेड मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा. ही प्लेस इट ऑन टू द टेबल बाय द डोर, और उस कार्ड को उसने जाते जाते दरवाजे के पास एक मेज के ऊपर रख दिया, प्लेस रख दिया. वेन ही वॉज गोन, जब वो चला गया, ऑथर टोर इट इन हाफ. टीयर की सेकेंड फॉर्म में टोर, फाड़ देना. तो ऑथर टोर इट इन हाफ, उसने उसको दो टुकड़ों में फाड़ दिया, एंड टॉस, और उछाल के फेंक दिया, और उछाल दिया द पीसीस, टुकड़ों को, ऑन टू द टेबल, मेज के ऊपर. तो जैसे होता है ना कि आप कागज़ को फाड़ के और यूं हवा में उछाल के फेंक देते हैं, तो उसी तरह से उसने अपनी तरफ से फाड़ के फेंक दिया. उसको नहीं यकीन था या अंदाज़ा था कि बाद में उसकी बीवी इन्हीं फटे हुए टुकड़ों को उठा लेगी और उनको जोड़ लेगी और कॉल कर देगी और बाद में फट इसकी जाएगी, ठीक है ना. तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया. और लिहाजा अगर शादी के बाद आपको कोई कागज़ यूँ फाड़ के फेंकना हो तो घर से बाहर फेंक के आना, अंदर नहीं फेंकना, ठीक है. तो नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा. नॉर्मा अभी भी सोफ़ा पे बैठी थी. व्हाट डू यू थिंक इट वॉज, और नॉर्मा ने पूछा व्हाट डू यू थिंक इट वॉज, ये क्या है. शी एस्ट, उसने पूछा. तो अब देखें, उस वो क्लियर था, ऑथर क्लियर था,
उसको पता था कि ये जो भी ऑफर है बकवास है और ये घटिया सी चीज़ है और ये चला जाए बंदा भी और ये उसकी चीज़ भी चली जाए, और उसने सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। लेकिन नॉर्मा जो है मसलसल जो है अब वो उसी के बारे में बात करेगी, अब नॉर्मा को कोई और बात सुझाई नहीं दे रही। What do you think it was? Yes, उसने पूछा। I don't care to know, मुझे कोई परवाह नहीं इसके बारे में जानने की। मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि भाड़ में जाइए, बात मैं सोचने नहीं चाहता इसके ऊपर ना। तो ही answered, उसने जवाब दिया। She tried to smile but could not, तो उसने मुस्कराने की कोशिश की लेकिन ना अब मुस्करा सकी। I'm not you curious at all, curious बेटा तजस्सुस को कहते हैं, तजस्सुस या मुतजस्सुस होना, किसी चीज़ के बारे में बेताबी बेचैनी होना। तो उसने कहा कि आप इसके बारे में क्यूरियस नहीं, तजस्सुस या बेचैन या बेताब नहीं है, कि आपको इसके बारे में जानने की ख्वाहिश नहीं है। मुतजस्सुस, नो ही शॉक इज दैट, शेक की सेकंड फॉर्म शॉक इज दैट, उसने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, और उसने इनकार में सर हिलाया ऑथर ने। आफ्टर ऑथर हैड रिटर्न, जब ऑथर चला गया टू हिज बुक और अपनी किताब पढ़ने लग पड़ा, यानी कि ऑथर उसके बाद अपनी किताब पढ़ने लग पड़ा। नॉर्मा वेंट बैक टू द किचन, नॉर्मा अपने किचन में गई एंड फिनिश वॉशिंग द डिशेज, तो वो खाने के बाद जो बर्तन थे वो उनको धोने लगी। व्हाई वॉन्ट यू टॉक अबाउट इट, और फिर बर्तन धो के थोड़ी देर बाद इसके पास आ गई और कहती इसके बारे में मुझसे बात करो, क्यों नहीं तुम बात कर रहे। तो वो मुसलसल अब उसके कान काटती चली जाएगी, कान काटने का मतलब है कि बार बार उसके कान में यही बात किए चले जाएगी। Why won't you talk about it? तुम इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, नॉर्मा एस नॉर्मा ने उससे पूछा। Arthur आई shifted as he brushed his teeth. तो अब ये कहाँ पे खड़ा था, बाथरूम में अपने टीथ ब्रश कर रहा था खाना खाने के बाद। तो नॉर्मा अब बाथरूम में उसके पीछे पहुँच गई, फिर वो खाना खाने, फिर जब वो लेटेगा सोने के लिए उसके पास, फिर उस वक्त ये बात करेगी, सुबह स्कूल दफ्तर जाने लगेगा फिर ये बात करेगी। मतलब हर जगह पे कोई जगह भी होती है ना, आप बाथरूम में तो नहीं पीछे जाके आप ये बात कह सकते या सोते वक्त नहीं कह सकते। हाँ किसी वक्त आप बैठे हैं डिस्कशन में तो आप ये बात करें, लेकिन वो मुसलसल अब ये बात किए चले जाएगी ना उसके ऊपर। ऑर्थर ने ऑर्थर्स आई शिफ्टेड, उसने अपनी आंखें तिरछी करके देखा। एज ही ब्रश हिज टीथ, जब वो अपने दांत साफ कर रहा था, ही लुक्ड एट द रिफ्लेक्शन, उसने उस अक्स को देखा इन द बाथरूम मिरर, बाथरूम के मिरर शीशे के बीच में पीछे अपनी बीवी के अक्स को देखा जो उससे कह रही थी कि इस मौजू पे मुझे बताओ। ठीक, तो डज नॉट इट इंट्रीग यू, इंट्रीग का मतलब होता है बेटा उकसाना, साजिश करना, बेचैन करना, बेकरार करना। तो इंट्रीग साजिश या बेचैनी बेताबी। तो उसने कहा कि तुम्हें इस चीज़ से बेचैनी या बेताबी नहीं हो रही, तो नॉर्मा को हो रही थी। तो नॉर्मा की नेचर में एक इंट्रीगिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा था ना, बेचैनी और बेताबी वाला, क्योंकि लालच थी उसके अंदर। लेकिन ऑथर उसका हस्बैंड बिल्कुल मुतमिन था, पीसफुल था, कंटेंटेड था, और उसके अंदर बेचैनी बेताबी क्योंकि वो मुतमिन था अपनी चीज़ों के ऊपर, तो उसको ज़रूरत नहीं थी। तो नॉर्मा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहती थी, तो ऐसे बंदे को चैन नहीं मिलता ना, चाहे जो कुछ भी मिल जाए। Does not it intrigue you? क्या ये बात, ये ऑफर आपको उकसा नहीं रही? तो आगे से ऑफर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा इट ऑफेंड्स मी, ऑफेंड कहते हैं कि नाराज करना, गुस्सा दिलाना, इश्तियाल दिलाना। उसने कहा कि ये ऑफर ने मुझे गुस्सा दिलाया है, नाराज किया, इश्तियाल दिलाया, मुझे ये बात बुरी लगी है, घटिया लगी है। ऑफर सेड, ऑफर ने कहा, और बात ठीक है। देखें वो ऑफर क्या थी कि आप बटन दबाएं, एक बंदा मारें और आपको $50,000 मिलेंगे। तो अब वो बटन जो दबाना है या बंदा मारना है वो लाजम तो नहीं है ना, वो मशीन एक किस्म की बात तो एक ही है ना, वो मशीन के बटन से वो बंदा मारें या जो है पिस्तौल किसी को पकड़ाया जाए और उसका वो घोड़ा, वो भी बटन ही होता है ना, वो दबाएं और बंदा मारें, तो बात तो एक ही है। तो बेटा ये एक शरीफ आदमी के लिए तो बेइज्जती की बात है, एक नदामत की बात है उसके लिए, एक तजलील की बात है कि कोई बंदा आके शरीफ आदमी से ये कहे कि यार आप बंदा मारो और मुझसे जो है बंदे मारा करो और मुझसे पैसे ले लिया करो। ठीक यार, तो ऑथर कहता है कि क्या मैं उसको कोई उबाश लगाऊं, क्या मैं उसको कोई बदमाश लगाऊं या कोई आवारा लगे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है कि कोई आदमी हमारे घर में आके हमें ये ऑफर दे रहा है कि आप ये एक कातिलों वाला जो है कारोबार करें, एक कातिलों वाला जो है काम शुरू कर दें। तो उसने कहा कि ये तो एक शदीद बेइज्जती की बात है, ये शर्म की बात है, ये मेरे लिए गुस्से की बात है कि कोई आके हमें इस किस्म की ऑफर करे। ठीक है, क्या हम उसको उबाश या आवारा लगते हैं, कोई बदमाश लगते हैं, ठीक है, या हम जो है वो कोई किलर लगते हैं, कोई कातिल लगते हैं जिसकी वजह से उसने ये ऑफर किया, ये क्या ऑफर है। तो उसको तो ये बात बड़ी घटिया लगी। लेकिन नॉर्मा कहती है कि देखो इसको हम कत्ल नहीं कह सकते, वो जो बंदा मरेगा पता नहीं कहाँ मरेगा, हम देखेंगे नहीं। वो कहता है मरेगा तो सही ना, देखेंगे या नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं तो वो कोई ना कोई तो होगा, तो कत्ल होता है, आप देख के करें या अंधी गोली से मार के कत्ल करें या सामने करें। ठीक है,
वो आपके सामने मरे या कहीं ना कहीं मरे, तो आप उसका मौजब तो बन रहे हैं ना, मर्डर इज अ मर्डर, ठीक है, कत्ल तो कत्ल है। लेकिन नॉर्मा जो है वो कहती, देखें अगर हमारे सामने नहीं है हमें क्या पता, ठीक है, और हो सकता है ना मरना हो, ये ऐसी बात ही हो, तो कहते लेकिन आपने एक्सेप्ट तो इस बेस पे करना है ना कि जी हाँ ऐसा हो जाएगा। तो नॉर्मा अपने आप को जस्टिफिकेशन जवाब देती चली जा रही है इस बहाना बनाने के लिए कि जी ये ऑफर कबूल कर ली जाए, लेकिन ऑर्थर जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बुरा समझ रहा है। जी आगे देखिएगा, आई नो बट नॉर्मा रोल्ड एनदर कर्लर इन हर हेयर, तो वो अपने बाल बना रही थी, उसके बाद वो भी बाल बना रही थी, कर्ल कर रही थी, ठीक है, घुंघरेले से बनाने के लिए, कर्लर से। तो डज नॉट इट इंट्रीक यू टू, तो उसने फिर वही बात कि क्या ये आपको उकसा नहीं रही ये बात, यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, फिर मजीद नॉर्मा ने कहा यू थिंक इट इज़ अ प्रैक्टिकल जोक, आप तो इस बात को मजाक समझते हैं। शी एस्ट, उसने कहा, एज दे वेंट इन टू द रूम, जब वो कमरे में गए तो पीछे पीछे उसके जा रही है और उसको कहती कि तुम तो इसको मजाक समझ रहे हो, इस बात को संजीदा नहीं ले रहे। तो उसने, ऑथर ने जवाब दिया, इफ़ इट इज़ अ सिक जोक, सिक वन, सिक वैसे होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे सिक का मतलब क्या आएगा, घटिया। उसने कहा कि अगर ये जोक भी है, उस बंदे ने हमसे मजाक ही किया, तो एक घटिया मजाक किया, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है। एक शरीफ आदमी से हाँ मजाक आप कर सकें, लेकिन ये तो कोई मजाक नहीं है कि यार ये लो पिस्तौल और बंदे मारो, ठीक है, ये तो बहुत ही इंसल्टिंग बात है, ये घटिया घटिया ही हरकत है, ये कोई मजाक नहीं है। नॉर्मा सेट ऑन हर चेयर एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट, वो अपनी कुर्सी पे बैठ गई एक लम्हे के बाद, उसने कहा मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब देखें बेटा, नॉर्मा जो है वो जवाब तलाश कर रही है अपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का। असल में जब भी हम किसी लालच या बदी या बुराई या गुमराही या गुनाह की तरफ मायल होते हैं, तो हम एकदम झट से उसकी तरफ नहीं चले जाते, पहले इंसान अपने आप को ना उसके लिए कायल करता है और उसमें से अपने लिए एक फेवरेबल सी बात निकालता है, ठीक। जैसे नॉर्मा ने अपने आप को कैसे कॉइल किया कि देखें इससे हो सकता कुछ भी ना मरना हो, ये ऐसे बटन दबाना और वो सिर्फ एक कोई बंदा रिसर्च कर रहा हो कि जी कितने लोग इस ऑफर को कबूल कर लेते हैं, तो ये हो सकता है एक रिसर्च ही हो। तो अब उसने अपने लिए एक जवाब तलाश कर ली है ना कि जी मैं तो हाँ ये मशीन ले लेती हूँ, बटन दबा दूँगी या रखूँगी इसको, क्योंकि मैं कोई बंदा रिसर्च करना चाह रहा है, उसमें मुआवनत कर रही होंगी, मैं उसको हेल्प कर रही होंगी या उसकी रिसर्च है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। तो अब ये एक किस्म का जवाब है, जैसे कुछ लोग जो है रिश्वत लेते हैं या इस तरह से कोई भी चीज़, तो वो उसको कोई ना कोई चाय पानी का नाम देते हैं कि जी ऐसे चाय पानी है या खर्चा पानी है या ऐसे जो है कोई भी उसका नाम ए बी सी डी रख देते हैं, तो जवाब तलाश करते हैं, उसको रिश्वत के तौर पर नहीं कहते, होती तो वही चीज़ है लेकिन उसका कोई और नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कई लोग जो रिश्वत की शक्ल में देते हैं, वो भी इसी तरह से नहीं देते कि रिश्वत के पैसे दे रहा हूँ तुम रिश्वत ले रहे हो, बल्कि कहते हैं कि ये ऐसे ही बस बच्चे के लिए कोई खिलौना ले लीजिएगा ना, तो वो अपना ही बच्चा है ना, तो इस तरह से कोई बात कर देंगे तो उसको भी लगेगा हाँ चलो शायद मेरे बेटे से ये प्यार करता है तो खिलौना देना चाह रहा है, ठीक। तो ये इंसान जो है कुछ उस बुराई को थोड़ा सा अच्छा बना के अपनी नज़र में या उसको एक्सेप्टेबल सा बना के कबूल करता है और फिर कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। एकदम कोई भी इंसान फौरी तौर पे इतनी बुराई में शामिल नहीं हो जाता, पहले उसके लिए कायल करता है और फिर वो वैसा काम करता है, ठीक है। तो मे बी इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तो वो कहती हो सकता है कि कोई लोग हो, कोई कंपनी हो, कोई टीम हो, ये रिसर्च कर रहे हो कि कितने लोग ऐसी ऑफर को कबूल करते हैं या इस मशीन को रखना चाहते हैं। आफ्टर श्रग, श्रग कहते हैं कंधे को उचकाना, कंधे झटकना, तो ये एक स्टाइल है इंग्लिश लोगों में ज़रा ज़्यादा होता है, कंधे उठा के नीचे की तरफ करना, कंधे उचकाना, यानी कि एक एक्सप्रेशन है कि अच्छा शायद ऐसा हो सकता है, तो वो कंधे झटकता है, कुड बी शायद मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनर इज डूइंग इट। एक्सेंट्रिक कहते हैं खपती, जुनूनी, कोई दीवाना सा, तो वो कहती है कि हो सकता है कि कोई ऐसे जुनूनी सा आदमी हो, कोई खपती सा आदमी हो, मिलियनर हो, लखपति आदमी हो, वो वैसे लोगों को चेक करना चाह रहा हो, टेस्ट करना चाह रहा हो, एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हो कि कितने लोग जो है इस किस्म की ऑफर को कबूल करते हैं और वो मशीन रखते हैं या नहीं रखते, तो इसके बदले में वो कुछ लोगों को कोई इंसेंटिव भी देना चाहता हो, मतलब है कि जो लोग उसके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं तो उनको कोई इनाम वगैरह भी दे दे, तो वो लाखपति हो, करोड़पति हो, उसके पास पैसे इजाफी हो, तो वो ऐसे ही एक किस्म का टेस्ट सा कर रहा हो, तो वो असल में अपने आप को जस्टिफाई कर रही है और अपने हस्बैंड को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो भी उस बात में शामिल हो जाए ना। तो यही चीज़ होता है कि जब वही बात कि इंसान ने कोई चीज़
बदी या बुराई की तरफ, तो वो कोई ना कोई अपने आप को जवाज़ देने की कोशिश करता है, वही जवाज़ यहाँ पे ये बनाने की कोशिश कर रही है। मे बी वो उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा शायद मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वुड नॉट यू लाइक टू नो, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे इसके बारे में। आर्थर शॉक हिज हेड, आर्थर ने इनकार में अपना सर हिला दिया कि नहीं जानना चाहता मैं। तो फिर वो पूछती है वाई, क्यों। अब ये बड़ी खूबसूरत बात है, वो थोड़ा जवाब देता है लेकिन अच्छे जवाब देता है। वो कहता है बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये एक गैर इखलाकी बात है। मोरल इखलाकी और इमोरल गैर इखलाकी, क्योंकि ये गैर इखलाकी बात है इसलिए मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। यानी कि ये बात ही घटिया है, चाहे रिसर्च ही कोई कर रहा हो या जो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे जो भी उसकी बुनियाद हो, लेकिन ये एक ऑफर ही घटिया है कि ये आप बटन दबाएं और बंदे मारें और इनाम लें। तो उसने कहा कि ये तो बात ही गैर अखलाकी है, घटिया, मैं इसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता, ठीक है। तो उस चीज़ को उसने रद्द कर दिया। नॉर्मा स्लिट बीनीथ हिज कवर, तो नॉर्मा अब लेट गई, यानी कि बेड पे थे, रात हो गई भी थी, अब सोने वाले थे, तो वो उसने थोड़ा सा, जैसे होता है ना बंदा लेटने से पहले बैठा होता है और फिर थोड़ा सा खिसक के लेट जाता है, तो बीनीथ द कवर, बीनीथ नीचे कवर, रज़ाई या चादर ब्लैंकेट के नीचे उस लेट गई। बट शोर नहीं करें, आप पाँव भी नहीं उठा के चल रहे। नॉर्मा स्लिट बीनीथ हिज कवर, वेल आई थिंक इट इज़ इंट्रीगिंग, तो उसने कहा कि आई थिंक इट इज़ इंट्रीगिंग, कि ये उकसाने वाली बात है, एक बेताब करने वाली, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बेचैन और बेताब है। शी सेड, उसने कहा, आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, आर्थर ने कहा कि रोशनी बंद की कि अब ये सो जाए, ये बलास हो जाए। उसने जो है कहा कि बत्ती बंद करना था, इससे जान छुड़ाऊँ, तो उसने लाइट बंद कर दी। गुड नाइट ही सेड, उसने कहा। तो अब वो लाइट बंद करके भी आर्थर वो नॉर्मा को ख्वाब वो डॉलरों के ही आ रहे हैं। तो जैसे उसने वो सोने लगी, नॉर्मा क्लोज हर आईज, आंखें बंद की, और साथ ही $50,000 कि वो फिर ख्वाबों में भी कि 50,000 रुपये मिलेंगे। तो उसने ये कहा, शी थॉट, उसने सोचा, इन अ मोमेंट, एक ही लम्हे में, एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट इन द मॉर्निंग, अब सुबह जब हो गई, जब सुबह उठी, तो आप देखें ना दिन रात उस पर यही खपता है। इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो अपने फ्लैट से निकली, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ, उसने देखा कि कार्ड के वो दो टुकड़े पड़े हुए हैं ऑन द टेबल, टेबल पे। इम्पल्सिवली, हिस्सी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, जबिल्ली तौर पर, इम्पल्सिवली, गैर इरादी तौर पर, इरादा नहीं था। जैसे आप गुजरते हो तो कोई बाज़ दफ़ा रास्ते में पत्थर या कागज़ या कोई पत्ता पड़ा होता है, तो आप गुजरते गुजरते ऐसे ही उसको पाँव से ठोकर लगा देते हैं, या कोई काम आप ऐसे ही खाम खाई कर देते हैं, आपका इरादा नहीं होता उस चीज़ का। तो इसी तरह से जब वो आप सुबह दफ्तर के लिए जाने लगी, तो वो कार्ड के टुकड़े पड़े हुए थे घर में ही, दरवाजे के करीब ही, मेज़ पे। तो गुजरते गुजरते उसने वो दो टुकड़े पकड़ के बैग में डाल लिए, फिर उसको वो जोड़ भी लेगी, फिर वो कॉल भी कर देगी। एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जब वो अपने फ्लैट से निकलने लगी, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ, उसने कार्ड के वो टुकड़े देखे ऑन द टेबल, टेबल पे। इम्पल्सिवली, गैर इरादी तौर पे, हिस्सी तौर पे या जबिली तौर पे, शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स में डाल दिया। शी लुक लॉक द फ्रंट डोर, अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, एंड जॉइन ऑथर इन द एलिवेटर, लिफ्ट को कहते हैं, और वो किसी बिल्डिंग में रहते होंगे तो वो साथ ही जल्दी से, ऑथर भी ऑफिस जा रहा था, ये भी ऑफिस जा रही थी, तो लिफ्ट में उसके साथ शामिल हो गई। वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब दफ्तर में कॉफ़ी ब्रेक कोई 10-11 बजे होती होगी, उस वक्त उसने, शी टुक द कार्ड हाफ, उसने कार्ड के वो टुकड़े निकाले फ्राम हर पर्स में से, हेल्ड देम टॉर्न एजेस टुगेदर, एंड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है हेल्ड, पकड़ के रखे, द टॉर्न फटे हुए एजिस किनारे टुगेदर, तो वो फटे हुए किनारों को इकट्ठा करके एक दफ़ा देखा। देखे ना, उसको मसलसल जो है वो कार्ड देख के भी उसके जहन में वही ख्याल आ रहा है, खुशी हो रही है कि बस मैं अब इसको कॉल करूँ और वो चीज़ मंगवाने की कोशिश करूँ, तो उसको एक दफ़ा करीब करके देखा, लेकिन अभी उसको जोड़ा नहीं। ओनली मिस्टर स्टीवर्ड नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, तो सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और उसका नंबर जो है उस कार्ड पर लिखा हुआ था। देखें, पहले भी हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन उस मशीन के बारे में नहीं पता चल सकी या उस कंपनी के बारे में भी। अब ये विजिटिंग कार्ड एक किस्म का अपना छोड़ के गया था ना, तो विजिटिंग कार्ड आप या मैं या किसी का भी हो तो उसका नाम, उसका ओहदा, उसका डेजिग्नेशन, उसका कोई फ़ोन नंबर, उसका कोई एड्रेस होता है, ठीक है, कंपनी का नाम होता है साथ। जैसे मेरा अगर हो तो इस कॉलेज का एड्रेस होगा, उस कंपनी का एड्रेस होता है, कोई वेबसाइट होती है, कोई UN नंबर, इंटरनेशनल नंबर होता है, कोई थोड़ा सा बायोडाटा सा कोई मौजूद होता है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन कुछ नहीं, कार्ड पे भी कुछ नहीं था। जब वो बॉक्स छोड़ के गया था उस वक्त भी कुछ नहीं था, कम बॉक्स के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक पुर इसरारियत सी जो है एक कायम की हुई है, एक पुर इसरार सी, मिस्टीरियस सी सिचुएशन है सारी, तो उस पर कुछ भी नहीं था लिखा हुआ, और वो भी चीज़ें जो है हाथ से ऐसे लिखी हुई थी। तो आफ्टर लंच, लंच के बाद, शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम, अब लंच ब्रेक आ गई कोई 1-2 बजे के करीब, शी टुक द कार्ड हाफ, फिर उसने कार्ड के हाफ की, ये जमा है हाफ्स,
तो कार्ड के टुकड़ों को इकट्ठा किया फ्रॉम हर पर्स अगेन एंड स्कॉच टेप, और स्कॉच टेप से उनको जोड़ दिया, द एज टुगेदर, उसके किनारों को जोड़ दिया, तो अब कार्ड ठीक हो गया। व्हाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट, उसने सोचा। अब ये देखें ये इंपॉर्टेंट, अब ये जो कुछ भी अभी तक कर रही है ना उससे खुद वो हो रहा है, बेचैनी से, बेताबी से होता चला जा रहा है, उससे खुद भी अपने पे काबू नहीं है। वो खुद सोच रही है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो वो क्योंकि लालच है ना, लालच फिर अपनी मर्जी से उस तरह से वो चीज़ करवाती है, वो इंसान के अपने बस में नहीं रहता, क्योंकि सर पे वो चीज़ सवार हो जाती है फिर वैसे ही इंसान करता चला जाता है। ठीक है, अनलेस कि आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे अपने जेहन से हटाएं।